अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन तो हम इसका पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2020 मई जून वेरिएंट टू। अच्छा जी, सो हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट पार्ट में किया था। अब हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा इशू होते हैं और स्टार्ट में ही मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन पहले करवा दूँ एंड देन कंटिन्यू इसको करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। The first question is, describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. You need to describe this transformation, triangle A onto triangle B. It means triangle A is your object and triangle B is your image. You need to describe it. You need to describe it. What does it mean by describe? Describe means you need to identify first that which type of transformation is. So after identifying the transformation, then you need to write the key point of that transformation. Okay. So A onto B seems like ये reflector है नीचे की तरफ, as it is image जो है वो नीचे की तरफ आके बन गई है, means वो reflect okay. अच्छा जी, जब भी object और image, इमेज आपका ऊपर से नीचे की तरफ आए या राइट से लेफ्ट की तरफ आए या डायगोनली डिस्टेंस पे आए, तो इट मींस इट्स अ रिफ्लेक्शन। सो अभी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, ए ऊपर है और बी नीचे आपका रिफ्लेक्ट होके आ गया। ओके, सो हमने ये आइडेंटिफाई किया दैट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्शन, और एक मार्क आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन लिखने का। अब रिफ्लेक्शन का की पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन? The second mark is of key point. The key point of reflection is its line. Ke kis line ke through ye reflect ho raha hai. So for finding out the reflection line, you need to get the midpoint. Jise for example, ye aapka object hai A aur iska image hai ye point. Okay. To in dono ke darmiyan ka distance hai 1, 2, 3, 4, 5, 6. To iska midpoint hoga ye, this one. Similarly, this one is object and this is an image. इन दोनों के दरमियान का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। ओके, और सिमिलरली द थर्ड पॉइंट है आपके पास द टॉप वन एंड द लीस्ट वन, नीचे वाला जो बॉटम वन है वो, इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। तो मिड पॉइंट जब आपके आ जाएंगे, तो मिड पॉइंट पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, या आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी आपने इक्वेशन चेक करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to c, c means y एक्सिस से कहां कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट -1, so its reflection line is y is equal to -1। तो एक मार्क आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन लाइन लिखने का और एक मार्क मिलेगा आपको रिफ्लेक्शन बताने का। सो दिस इज द वे टू डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन। ओके, सो इसकी रिफ्लेक्शन की, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की वीडियोस सारी मौजूद है। अगर आप लोगों को वीडियोस बेसिक से देखनी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसकी वीडियोस है वो सारी इसको अरेंजमेंट के साथ देखें। ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट, चारों वीडियोस मौजूद हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वो भी। अच्छा जी, सेकेंड वन, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी means triangle A is your object and triangle C is your image. Triangle A is your object and triangle C is your image. By the single transformation H, they are asking to find the matrix that represent transformation H. ठीक है, तो A और C की जो transformation हो रही है उसका matrix आपने बताना कि किस matrix के through ये transformation हो रही है। अच्छा, matrix transformation में तो पहला step आपके पास होता है identification का, कि how to identify that which type of transformation is. तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ए ऑन टू सी क्या है। ए ऑन टू सी ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन में एज इट इज स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ना तो कोई मूवमेंट होती है, ना अप डाउन मूवमेंट होती है, ना राइट लेफ्ट मूवमेंट होती है। एज इट इज कोई ऑब्जेक्ट उठा के कहीं और रख देते हैं, मीन्स ना बिल्कुल सेम शेप दिख रही होती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग मूवमेंट कहलाती है वो। ओके, तो ट्रांसलेशन तो नहीं है। रिफ्लेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है तो आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, इमेज नीचे आता है। अगर वर्टिकल लाइन में होती है तो ऑब्जेक्ट राइट पे होता है, इमेज लेफ्ट पे बन जाता है, लेकिन ज्यादा ऐसा फर्क नहीं आता कि वो रोटेट हो जाए। ये इस तरह से आपके पास रोटेट हो रहा है कि ये इस तरह से। अच्छा जी, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि भाई ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है और ये आपका ट्रांसलेशन भी नहीं है। एनलार्जमेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि शेप में फर्क नहीं आ रहा, साइज में फर्क नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो ये हमें नजर आ रहा है इट्स अ रोटेशन। क्या नजर आ रहा है? इट्स रोटेशन। अब रोटेशन
मैट्रिक्स मालूम करना है तो मैट्रिक्स में सेंटर जो होता है रोटेशन का वो हमेशा जीरो जीरो होगा। मैट्रिक्स में जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ओरिजिन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ओरिजिन को ऑब्जेक्ट और इमेज से ज्वाइन करना है। ओरिजिन सेंटर होगा, आपका ऑब्जेक्ट है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये आपके पास रोटेशन है। अब आप इसके सेंटर, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करें। जब आपने सेंटर, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन किया, इसको आप जब डी से मेजर करेंगे तो इट गिव्स राइट एंगल। सो इट्स अ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स देखें। द जनरल पॉइंट्स आर 10 एंड 01। दीज आर द जनरल पॉइंट्स, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रोटेशन हो, चाहे एनलार्जमेंट हो, यू नीड टू राइट दीज पॉइंट फर्स्ट। अच्छा जी, अब आपने एक्स को भी रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस डायरेक्शन। आपका हर एक क्वाड्रेंट जो होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। आपने पहले फर्स्ट पॉइंट को 90 डिग्री रोटेट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहां पर, यहां पे वैल्यू होती है y एक्सिस पे x 0 और y 1। इसी तरह से फिर y को आपने रोटेट करना है, y यहां पे, इसको जब आप रोटेट करोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो इसका इमेज बनेगा इधर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट साइड की तरफ है, x एक्सिस लेफ्ट साइड की तरफ -1 होगा और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। सो दिस आर द दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिस आर द दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपने इस मैट्रिक्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन, ट्राइंगल सी ट्रांसफॉर्मेशन एम इज अ रिफ्लेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन लाइन एक्स इक्वल्स टू, और ट्रांसफॉर्मेशन आर जो है वो रोटेशन 180 डिग्री अबाउट 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी। ट्राइंगल ए आपका ऑब्जेक्ट है और ट्राइंगल डी आपने बनाना है जो कि आपका इमेज है। सच दैट आर एम ए, आर मीन्स रोटेशन 180 डिग्री अबाउट 0 0 और एम मीन्स रिफ्लेक्शन लाइन एक्स इक्वल्स टू। तो इन दोनों को, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर डी। तो ये किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं ये जरा देखें। बहुत सारे बच्चों के इसके हवाले से क्वेश्चन आए थे तो वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो पहले आपने अटेम्प्ट करना है, पहले है आपका एम ए, मीन्स आपने एम मीन्स रिफ्लेक्शन करनी है लाइन एक्स इक्वल्स टू पे। एम ए मीन्स ए को आपने रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्शन लाइन के लिए की पॉइंट होता है यू नीड टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन लाइन। रिफ्लेक्शन लाइन है एम, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एम जो है एम एम ए एम इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन अंडर एक्स इज इक्वल्स टू। तो रिफ्लेक्शन लाइन का की पॉइंट होता है, रिफ्लेक्शन का की पॉइंट होता है टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन लाइन। एक्स इक्वल्स टू इज ओवर हियर, एक्स इक्वल्स टू की लाइन ड्रॉ कर दे। एक्स इक्वल्स टू की लाइन ड्रॉ हो गई। अब रिफ्लेक्शन अंडर वर्टिकल लाइन का तरीका क्या होता है कि आपने वर्टिकल लाइन से ऑब्जेक्ट देखना है कितना राइट पे है या लेफ्ट पे है। तो जितना राइट पे होगा उतना ही लेफ्ट पे उसका इमेज बन जाएगा। तो रिफ्लेक्शन लाइन से 1 राइट पे है, इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है तो ये इसका इमेज आ गया, इमेज ऑफ ए। ये बी पॉइंट है, रिफ्लेक्शन लाइन से 2 पॉइंट दूर है तो इसका इमेज बन जाएगा 2 पॉइंट दूर, बी का इमेज बन गया ये। सिमिलरली 1 2, ये सी है 2 पॉइंट दूर है, इसका इमेज बन गया 2 पॉइंट दूर, ये सी का इमेज बन गया। इनको ज्वाइन कर लें आप, ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन का आंसर आ गया। ठीक है, बट इट्स नॉट ट्राइंगल डी। ठीक है, अभी हमारी पूरी स्टेटमेंट नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ प्रोसेस किया है एम ए का। अब इसका जो आंसर आएगा इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई करेंगे। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन आर? ट्रांसफॉर्मेशन आर इज रोटेशन 180 डिग्री अबाउट 0 0। माने हमने रोटेट करना है 180 डिग्री अबाउट 0 0। 0 0 इज योर ओरिजिन, ओरिजिन आपने 180 डिग्री इसको डी से भी कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन हम आसान, एक और आसान तरीका है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 180 डिग्री में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई है तो इसका इमेज बनता है माइनस एक्स और माइनस वाई। ओके,
180 डिग्री में क्या होता है, आपका अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई है तो उसका इमेज बनता है माइनस एक्स और माइनस वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए डैश का आपके पास कोऑर्डिनेट है 1, 2, तो इसका जो इमेज बनेगा, ए डबल डैश में नाम दे देता हूँ, इमेज बनेगा दोनों के साइन चेंज कर दो, -1, -2, तो ए का इमेज बना -1, -1 एंड -2 ओवर हेयर, ये इमेज ऑफ ए बन गया। सिमिलरली बी का, बी डैश का आपके पास ऑब्जेक्ट है 0, 2, 0, 2, तो बी का इमेज बनेगा, जीरो का नेगेटिव साइन जीरो ही कहलाएगा और टू का नेगेटिव 0, -2, तो बी का इमेज बना आपका 0, -2, इट्स ओवर हेयर, इसको भी बी डबल डैश रिप्रेजेंट कर दिया। सी डैश था हमारे पास 0, 5, तो इसका इमेज बनेगा 0, -5, तो 0, -5 इज ओवर हेयर, ये आ गया सी डबल डैश। आपने इनको ज्वाइंट करना है, ये आपके पास आ गया ट्राइंगल डी। ट्राइंगल डी कैसे आया आपके पास, फिर से देखें, पहले आपने एम ऑफ ए किया, एम रिप्रेजेंट कर रहा था रिफ्लेक्शन अंडर एक्स इक्वल्स टू टू, पहले आपने ए को रिफ्लेक्ट किया अंडर एक्स इक्वल्स टू टू, जो इमेज बना फिर उसको आपने रोटेट किया 180 डिग्री अबाउट 0, 0, तो ये इस तरह से ये इमेज ऑफ आपका ए का इमेज बना डी। ओके, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है बिल्कुल, इस तरह इस बार भी आ जाए तो आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ओके, होप कि ये क्लियर होगा। फॉर फर्दर वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है सारे ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पिरामिड के हवाले से है क्वेश्चन, इसकी भी पूरी वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं इस टॉपिक की भी, मेंसुरेशन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि शो दैट ई एफ इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 decimal प्लेस। आई थिंक सेम क्वेश्चन की वीडियो मौजूद है मेरे पास, तो आप चैनल पे जाके पैरामिड, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड और पैरामिड के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन की वीडियो मौजूद है, सेम क्वेश्चन की, इसमें सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्राइब की है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा जी, ये आ जाता है, इसका पहले ए पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, देन बी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड एफ एम एन, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। एफ एम एन फाइंड आउट करना है। अच्छा, एफ एम एंड एन, सबसे पहले ये दो लाइंस, दीज टू लाइंस रिप्रेजेंट द टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट इन अ ट्रायंगल देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स, मींस इसका ऑपोजिट एंगल है ये, फॉर एग्जांपल एक्स, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी एक्स, ये सेम होगा। ओके, पहले तो आपने ये कंडीशन कर ली, आपको मालूम क्या करना है कि फाइंड एफ एम एन, एफ एम एन दिस वन, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो एफ एम एन फाइंड आउट करने के लिए आपने जो जो स्टेप करना है सबका रीजन देना है, तो पहले हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, 126 प्लस एम एल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एम एल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 126, इट विल बी 54, इसके आगे आप क्या रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये आ गए आपके पास रीजन। देन सेकेंड वन, ये फर्स्ट हो गया आपके पास सेकेंड रीजन, 54 प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दूसरा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स, ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 मीन्स 126 अपॉन 2, 63, सो x इज इक्वल टू 63, ओके। नाउ यहां पे देखें, ये पैरेलल लाइंस, द टॉप वन इज पैरेलल लाइन एंड ये ज्वाइन कर रहा है ये पैरेलल लाइन,
If this one is 63, so this one is also 63, it makes a Z with parallel line and transversal. So it's equal to 63. यहाँ पे आप alternate angles की property apply की है हमने कि F M third property में यहाँ mention कर रहा हूँ M N L is equals to F M N. इसका reason क्या लिखेंगे? They are alternate angles. ठीक है, तो ये सारी reasons के साथ हम लोग तीनों reasons आपने देंगे. देखो 4 mark का question है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने reason देनी है. इसमें से मुश्किल कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने क्या करना था? reason देनी थी एक एक चीज की. ओके, सो ये आपका आंसर आ गया 63 डिग्री विद रीजन, 4 मार्क हो गए आपके आसानी से. नाउ इट्स सेकंड क्वेश्चन. A, B, C, D are points on the circumference of a circle and center O, B, D and E, C intersect at E. B, C is the diameter. Diameter के बारे में बता दिया. अच्छा जी, आंसर देना है in term of X और Y. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डायमीटर, इस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को देखते हुए हम राइट एंगल लगा देते हैं. डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे आया और दोबारा डायमीटर पे चला गया, मींस बी डी सी. बी सी इज द डायमीटर, फिर डी पे आया और दोबारा डायमीटर पे आके क्लोज हो गया, तो सर्कमफेरेंस पे राइट एंगल बनेगा. ठीक है, एक ही हो गया. उसके बाद है बी सी ए पे गया और दोबारा फिर सी पे आ गया, तो सर्कमफेरेंस ए पे है, तो ए पे राइट एंगल बनेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज टू पुट द राइट एंगल. राइट एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे वो आपने पुट कर देने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डी बी सी. डी बी सी, वेयर इज डी बी सी? डी बी सी, दिस वन, दिस वन. डी बी सी, डी सी आपका आर्क, आर्क पे है. और डी ओ सी, ये एंगल एट सर्कमफेरेंस, दोनों के आर्क सेम है, एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है और ये सेंटर पे बन रहा है. तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस, ये प्रॉपर्टी है. अगर एक ही आर्क से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल जो होता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले से. और इसको कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस वाला एंगल जो होगा वो हाफ होगा सेंटर वाले से. अब सेंटर वाला एंगल है आपका वाई, तो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है डी बी सी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? वाई divided by 2 means y upon 2, half of the center. ठीक है, अगर एक ही आर्क से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एंगल डी ओ सी, ये एंगल एट सेंटर है जो कि y के इक्वल है, डी बी सी ये एंगल एट सर्कमफेरेंस है, दोनों का आर्क क्या है? डी सी, दोनों डी से शुरू हो रहे हैं और सी पे खत्म हो रहे हैं, तो एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ देन एंगल एट सेंटर. ओके, सेकेंड वन इज ए बी डी. ए बी डी, दिस वन ए बी डी, ए बी डी ए सी डी. अच्छा जी, ए बी डी, देखें ए बी डी ए सी डी, दोनों का आर्क सेम है, ए बी डी और ए सी डी दोनों का आर्क सेम है और दोनों सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं, तो ये सेम सेगमेंट की कंडीशन है. ए बी डी ए सी डी, दोनों का आर्क सेम है, दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, डी पे खत्म हो रहे हैं और बन कहां आ रहे हैं? दोनों सर्कमफेरेंस, बी बी सर्कमफेरेंस पे, सी बी सर्कमफेरेंस पे, ए बी डी ए सी डी. सो दे आर इक्वल. इक्वल किस प्रॉपर्टी के थ्रू? प्रॉपर्टी सेम सेगमेंट, एंगल एट सेम सेगमेंट. ओके, सो दे आर इक्वल. अगर ये एक्स था तो ये भी आपके पास क्या होगा? एक्स होगा. सेकंड का आंसर हो गया एक्स. ओके, देन द थर्ड वन इज ए ई डी. ए E D, A E D is over here. A E D. अच्छा जी, ये एंगल X, ये एंगल 90, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ. That would be 90 minus X. 90 minus X. अब ये B E D जो है ये स्ट्रेट लाइन है. B E D स्ट्रेट लाइन है. For example, ये हमें ये एंगल निकालना है. इसको मैं सपोज करता हूँ A. तो A plus 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180. एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180. हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 180, 90 उधर जाके हो जाएगा माइनस 90, माइनस एक्स उधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स. तो 180 माइनस 90, 90, 90 प्लस एक्स. इन टर्म ऑफ एक्स और वाई चाहिए, तो हमारे पास आ गया आंसर 90 प्लस एक्स. 90 प्लस एक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया 90 प्लस एक्स. Now the last one is
बी डी ए, वेर इज बी डी ए, बी बी डी ए, दिस वन बी डी ए. अच्छा जी, बी डी ए की प्रॉपर्टी अप्लाई करें भाई. बी डी ए की प्रॉपर्टी क्या होगी? बी डी ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बी सी ए. अगर हम देखें बी डी ए एंड बी सी ए आर इक्वल, अब इन दोनों में से कोई भी एंगल निकल जाए, दोनों सेम सेगमेंट हैं, माने दोनों एक ही आर्क से प्रोड्यूस हो रहे हैं और सर्कमफेरेंस में बन रहे हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट हैं. बी डी ए और बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का आंसर सेम है, बी डी ए और बी सी ए. तो मैं ये आंसर निकालने से कासिर हूँ, मीन्स ये मुझसे नहीं निकल रहा आंसर. तो मैं क्या करूँ, बी सी ए निकालने की कोशिश करता हूँ. ये 90 प्लस एक्स है तो ये भी 90 प्लस एक्स होगा, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, एक एंगल ये, दिस वन, एक एंगल ये और एक एंगल ये. सो बी सी ए और ये और ये बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ. ओके, माने ये एंगल निकाल रहा हूँ. सो इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, बी प्लस 90 प्लस एक्स, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 180. तीनों एंगल का सम 180 होता है. बी फाइंड आउट करना है, 180 माइनस 90, 90 उधर जाके माइनस 90 हो गया, एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो गया, वाई अपॉन टू उधर जाके माइनस वाई अपॉन टू हो गया. सो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू. सो दिस इज द आंसर फॉर बी डी ए, 90 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, 90 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू. ओके, सो दीज आर दी आंसर्स फॉर सर्किल प्रॉपर्टीज. सर्किल प्रॉपर्टीज की भी वीडियोस मौजूद हैं. आप लोग पहले, अगर आपको पेपर करने में परेशानी हो रही है, क्वेश्चन समझने में डायरेक्ट परेशानी हो रही है, तो पहले वीडियोस देखें सारी सर्किल प्रॉपर्टीज की, उसके बाद ये वीडियो देखें, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा. अच्छा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेंसुरेशन. अच्छा जी, सो अ बर्थडे केक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. एक सिलेंडर की शेप का बर्थडे केक है. देयर आर टू लेयर्स ऑफ केक एंड वन लेयर ऑफ आइसिंग. अच्छा जी, सो ईच लेयर ऑफ केक हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर. आइसिंग का जो बीच में आइसिंग है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हाइट 12 मिलीमीटर है. जो जो चीजें गिवन है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ. 10 सेंटीमीटर, 12 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि सेम यूनिट जाए. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसिंग इन द बर्थडे केक, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा जी, हमें जो फाइंड आउट करना है वो सिर्फ जो सेंटर का इसका हिस्सा है, जो आइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फाइंड आउट करना है. जिसकी 12 मिलीमीटर उसकी हाइट है, तो 12 मिलीमीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा. बिकॉज इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इट बिकम 1.2 सेंटीमीटर. और इसका जो रेडियस है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है. तो ये भी जो एक शेप बन रही है, ये भी एक शेप बन रही है सिलेंडर की. सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 10 स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ हाइट इज 1.2. So 100 into 1.2 into pi, तो जो भी आंसर आएगा वो हम मेंशन कर देते हैं. इन टर्म ऑफ पाई तो नहीं देना, नहीं. सो 100 into 1.2 into pi की जगह 3.142, आंसर आया आपका 377.04. ओके, दिस इज योर आंसर. गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आया 377.04 पाई आर स्क्वायर इनटू एच. अच्छा जी, द टॉप एंड कर्व सरफेस एरिया, द टॉप एंड कर्व सरफेस ऑफ द बर्थडे केक आर नाउ कवर्ड विद चॉकलेट. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड बाय चॉकलेट. अच्छा जी, टॉप means circle or and curved surface area means जहाँ से इसको hold करते हैं. So ये दो जो हिस्से हैं, एक top और एक curved surface area, इसको chocolate से covered कर दिया. उस जहाँ जो chocolate से हिस्सा covered किया है उसका आपने area निकालना है. अच्छा जी, तो top आपका जो है वो circle है
सर्किल मीन्स पाई आर स्क्वायर, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू एच। तो रेडियस हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास है 3 प्लस 3 6, और 12 मिलीमीटर मींस 1.2 मींस 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हमारे पास हो गई 7.2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर 3.142, आर की जगह 10 स्क्वायर प्लस 2, पाई की जगह 3.142, आर की जगह 10 और हाइट की जगह 7.2। इसको कैलकुलेटर में पुट करें एंड गेट योर आंसर। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द टॉप एरिया। टॉप मीन्स सर्किल एंड द सराउंडिंग एरिया मीन्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज रिप्रेजेंटिंग बाय 2 pi r into h. Okay, this is the top one, means circle, pi r square. This is the top one. Aur uska jo surrounding hai, mane curved surface area, uska formula hai 2 pi r into h. Okay, now, ye ho gaya question number 8. Achha, iska C part bhi hai. Anil has a slice of this chocolate-covered birthday cake. इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका वॉल्यूम आपके पास गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इट्स अ प्रिज्म, ये भी एक प्रिज्म है जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेक्टर है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। सो वॉल्यूम आपके पास गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है एंगल आउट ऑफ 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। हाइट है आपके पास 7.5। ओके, सो 200 एंगल है एक्स जो आपको मालूम करना है, अपॉन 360 इनटू पाई मींस 3.142, R means 10.3 square into 7.5. इसको कैलकुलेट करें और आंसर निकालें। होप के ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आई नीड टू, मेरा फोकस जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं, 360 डिवाइड हो रहा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ऊपर मल्टीप्लाई होकर वहां जाके 200 एलटीटा बाय 360 से आखिर में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राफ ऑफ फंक्शन। इससे पहले वाला क्वेश्चन, अच्छा जी, तो क्वेश्चन 7 और 6। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज इक्वल टू 4 पावर एक्स। तो एक्स की जगह 0 पुट करूंगा, 4 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। एक्स की जगह 0.5 पुट करूंगा, 0.5 मींस 1/2, 4 पावर 0.5 मींस 4 पावर 1/2 मींस इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। सबसे कंप्लीट टेबल करने का एक मार्क है, बिल्कुल कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी और आंसर निकालना है बस। अच्छा जी, सेकंड वन इज टू ड्रॉ, टू कंप्लीट द टेबल एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, स्मूथ आपने कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है। 0 पे 1, फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 1, 0 एंड 1 इज ओवर हियर, 0 एंड 1। सेकंड पॉइंट इज 0.5 एंड 2, 0.5 एंड 2, दिस इज द सेकंड पॉइंट 0.5 एंड 2। देन थर्ड वन इज 1 एंड 4, 1 and 4 over here, 1 and 4. Then we have 1.5 and 8, 1.5 and 8. Then we have 2 and 16, 2 and 16 over here. Then we have 2.5 and 32, 2.5 and 32 is over here, 2.5 and 32. Then in the last 3 and 64,
3 एंड 64. सो ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद देन यू नीड टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व. स्मूथ कर्व, कर्व ऐसा होना चाहिए कि आपका मार्क्स रेंज से बाहर ना हो. एस्टिमेटेड आंसर एक्यूरेट आने चाहिए तो आपके मार्क्स सारे मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे. बाय ड्राइंग, अच्छा स्मूथ कर्व बनाने के बाद 3 मार्क्स से प्लॉट करने के और स्मूथ कर्व बनाने के. बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2. अब एक्स इक्वल्स टू 2 पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है. माने टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए जाए. x is equals to 2 is over here. आपने इस पॉइंट पे जहाँ मैंने ब्लैक से डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है. टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं जो सिर्फ इसी पॉइंट को टच करते हुए जाए. इसके आंसर में रेंज होती है लेकिन हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करनी है. ओके हमने लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल्स टू 2 पे जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करते हुए जाए. अच्छा जी, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि x इक्वल्स टू 2 पे टच करते हुए जा रही है. तो इस पे आपने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेने हैं. एक पॉइंट तो आपने यही कंसीडर कर लेना है जो इस जिसके बारे में जिक्र हो रहा है. 2 पे क्या आंसर था आपका? 2 पे आंसर था 16. तो एक पॉइंट आप यही कंसीडर कर लो 2, 16. और दूसरा पॉइंट आप कोई भी लाइन पे मौजूद कोई भी दो पॉइंट लेना है. आपने लाइन एग्जैक्ट बनानी है. तो दूसरा पॉइंट मैं आपका लेता हूँ 2 पे 16 के बाद 2.5 पे. ये 2.5 है, 2.5 पे आपका ये पॉइंट आ रहा है 28. 2.5 पे 28, ये दो पॉइंट ले लिए. जब दो पॉइंट ले लिया आपने लाइन पे मौजूद कोई भी दो पॉइंट, आपकी मर्जी आप कोई और दो पॉइंट ले लें. फिर आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट इज y2 - y1 / x2 - x1. सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये भी हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आता है. y फर्स्ट पॉइंट x1 y1 एंड सेकंड वन इज x2 y2. y2 इज 28, y1 is 16, 28 minus 16 upon x2 minus x1 means 2.5 minus 2. So 28 minus 16, 12, 2.5 minus 2 means 0.5. The 12 ko 0.5 se divide karunga, it will be 24. ठीक है, तो आपका ये ग्रेडियंट आ गया at x equals to 24. अच्छा, अगर इसका आंसर एक्यूरेट ना आए, रेंज से बाहर आ जाएगा, तो आपको इस प्रोसेस का एक मार्क मिलेगा. अदरवाइज अगर रेंज में होगा आपका आंसर तो यू विल अवॉर्ड इट 2 मार्क्स. ओके, तो ये तो हो गया इसका आंसर. देन कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है उसके बाद. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशन. माने इसका सॉल्यूशन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का सॉल्यूशन दोनों एक ही बात है. कैन बी फाउंड मींस जो इससे आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो आंसर होगा वो सेम होंगे. ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी 3 इक्वेशंस गिवन हो, एक इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए बी हो और दो इक्वेशंस एक लाइन और एक कर्व हो, तो आप क्या करोगे, और जो लाइन और कर्व होता है बेसिकली उन दो को कंपेयर करोगे. दो को कंपेयर करके तीसरी इक्वेशन फॉर्म करने को देखा होगा. अब देखो दोनों इक्वेशन जो है ये वाई और वाई, ये दोनों इक्वेशन जो है वाई के इक्वल है. वाई इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू 20x - 12. तो आप क्या करोगे, कंपेयर द टू इक्वेशन. व्हेन यू कंपेयर द टू इक्वेशन इट बिकम 4 पावर x इज इक्वल टू 20x - 12. ओके, अब 4 पावर x 20x यहाँ के माइनस 20x हो गया क्योंकि वहां पे इक्वल टू 0 है, तो हम भी इसको इक्वल टू 0 कर देंगे. माइनस 12 यहाँ के प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू 0. 4 पावर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिर्फ 1 से तो 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3, यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई 4 पावर x 3 इंटू 20 60x 3 इंटू 12 36 और 3 इंटू 0 0. So, आपकी इक्वेशन बन गई. जो डिमांड थी, क्या डिमांड थी, 3 4 पावर x माइनस ax प्लस ax
प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए की जगह आ रहा है माइनस 60 और बी की जगह आ रहा है 36। तो आपको एग्जामिनर ने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला था, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, उसके बाद ड्रॉ द लाइन वाई इज इक्वल टू 20x - 12। हमारे पास ग्राफ के अंदर 0 से लेकर 3 तक नंबर है, तो मैं इसमें दो नंबर पुट करता हूँ। 20x - 12 की लाइन ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू 20x - 12, ये आपने ड्रॉ करनी है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, 21 से पुट x इक्वल्स टू 1, कोई भी दो तीन पॉइंट आप पुट कर लें x और y। x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 21 से 20 माइनस 12 आंसर आया 8। x की जगह 2 पुट करता हूँ तो 22 से 40, 40 माइनस 12 आंसर आया 40 माइनस 12 28। x की जगह 3 पुट 60 माइनस 12 आएगा 48, वो भी आ जाएगा। 3 पुट कर देते हैं, x की जगह 3, 23 या 60, 60 माइनस 12 48। तो ये तीन पॉइंट आए, एक आया वन पे एट, तो पहला पॉइंट है 1, 8, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका 2, 28, 2, 30 और ये 28 2, 28। अब मैं इसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन, थर्ड पॉइंट है 3 पे 48, चलो थर्ड पॉइंट भी ज्वाइन कर लेते हैं, 3 and 48। अच्छा जी, इन तीनों को ज्वाइन करते हैं हम स्केल से, स्केल से ज्वाइन कर दिया हमने तीनों पॉइंट को। जब तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ये तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करने का बोला था, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी हमने और फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन भी मालूम करना है। अच्छा जी, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, जब आपने लाइन ड्रॉ की तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो ये है 0.1, 0.5 कहाँ पे भाई, ये 0.5 है, ये 0.6 है, ये 0.7, 0.8, 0.9 और 1, तो आंसर आया 0.7। एक आंसर आया 0.7 और दूसरी जगह कहाँ कट किए, दूसरी जगह कट किए इस जगह पे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये 2.5 है, 2.6 और 2.7, तो दूसरा आंसर आया 2.7। एक आया 0.7 और दूसरा आया 2.7, तो दो आंसर जो है वो क्या है 0.7 और दूसरा आंसर आया 2.7। तो दीज आर द टू मार्क्स आपके लाइन ड्रॉ करने के, 1 मार्क आपका जो आपने आंसर निकाला इसका। नाउ लास्ट पार्ट आज का। अच्छा जी, सो दे आर आस्किंग टू find the value of P and Q, maximum point पे P और Q है। अब जब maximum point होता है आपके पास, maximum point पे जो x की value होती है ना बेटा, अगर आप x equal to P एक line draw करें, तो ये जो line होती है that is called the line of symmetry। ये इस turning point की जो मैंने इस curve जो बना हुआ है, जो maximum और minimum point देता है, जो quadratic का curve होता है, उस पे जो maximum point होता है, उस पे जो x की value होती है, x is equal to P, x is equal to p is the line of symmetry। ये क्या करता है, इस curve को तो बराबर हिस्सों में divide करता है, मतलब ये इस side वाला हिस्सा और इस side वाला हिस्सा, ये दो equal parts में divide कर दिया इस line ने। Okay? तो इसका मतलब हुआ, ये जो point है, ये center है, किस किस का, ये जो intersection point आ रहा है इन दोनों का। तो कैसे निकलेगा ये, -2 + 4, किसी भी दो पॉइंट का सेंटर निकालना हो तो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, 2/2, 1। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, सो p इज इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है Q की वैल्यू। अब इस कंडीशन में हमारे पास जब कर्व होता है, जब हम X के आंसर को सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे होते हैं, X is equal to -2 और X is equal to 4, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, ये कंडीशन होती है when Y is equal to 0, जब 0 Y is equal to 0 होता है, तो X एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आंसर कहलाता है। आपने इसको उल्टा ले जाके इक्वेशन बनानी है, X is equal to -2 है
ये हो गया एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आप फोर को इधर लाने की बजाय एक्स को उधर ले जाएं, फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैथमेटिकल तो हमने कोई एरर नहीं किया है, हमने एक्स को उधर शिफ्ट कर दिया, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। सो दोनों जीरो के इक्वल हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब वाई इज इक्वल टू जीरो की लाइन ड्रॉ हुई हुई है तो एक्स इंटू फोर फोर एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, टू इंटू फोर एट, टू इंटू माइनस एक्स टू इंटू माइनस एक्स माइनस टू एक्स, एक्स इंटू फोर फोर एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू इंटू फोर एट, टू इंटू माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो की लाइन ड्रॉ है तो इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको कंपेयर करूंगा तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, ओके, तो आपने इज इक्वल टू y कर देना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस टू एक्स टू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू y। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट, हमें इस इक्वेशन पे x की वैल्यू पता है, यहाँ पे p की वैल्यू है वन। अब वन जब x वन है तो उसमें y क्या होगा हमने वो फाइंड आउट करना है, तो p कॉमा q x की जगह वन और y की जगह q, y की जगह q और x की जगह वन, माइनस वन स्क्वायर प्लस टू माइनस वन सॉरी वन और प्लस एट, x की जगह वन पुट करना है, वन का स्क्वायर वन प्लस टू प्लस एट, एट प्लस टू टेन, माइनस वन नाइन, तो q की वैल्यू क्या है आपके पास, नाइन। तो इस तरह से आपकी निकलेगी p और q की वैल्यू, p वन आया और q क्या आया आपके पास, नाइन। अच्छा जी, फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद होने जा रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आप लोग खुद करें, अदरवाइज मैं इसको प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में इंक्लूड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। इस अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ, बंद हो गया तो फिर अल्लाह मालिक है, अदरवाइज मैं समझा देता हूँ। Find the probability that the two-digit number is less than 30. दो कार्ड्स निकालने हैं आपने रेंडमली और उसको नेक्स्ट टू ईच अदर रखना है और जिससे दो डिजिट नंबर बने, तो आपके जो पॉसिबल नंबर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 52 बनेगा, 54 बनेगा, 56 बनेगा, 53 बनेगा। 5 के साथ 2 आ सकता है 52, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 और 5 के साथ 3। इसी तरह से 2 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6 और 2 के साथ 3। इसी तरह से 4 के साथ 5, 45, 4 के साथ 2, 4 के साथ 6 और 4 के साथ 3 ये नंबर बन सकते हैं। मैं पॉसिबल आंसर्स निकाल रहा हूँ, 65, 62, 64 और 63। इसी तरह से 35,